गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारी फर्स्ट क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर्स उसके बारे में स्टडी करेंगे। नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो नॉर्मली आप सबको पता ही है। आपने पीछे के क्लासेस में नंबर नंबर सिस्टम्स के बारे में सब कुछ स्टडी किया है। नंबर्स मीन्स संख्याएं, हम उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सो लेट्स गो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें शो हो रहा है पिक्चर में, हम सब रीड करेंगे उसको। सबसे पहले हमें क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में नीचे जो भी वर्ड लैंग्वेज दी हुई है उसके न्यूमरल्स बताने हैं। क्या बताने हैं स्टूडेंट्स? न्यूमरल्स। तो अब हम पहला हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1600। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। 1600 इट्स मीन 1600। ये सब आपने इजीली पिछली क्लासेस में फोर्थ क्लासेस में पढ़ा है नंबर्स के बारे में, नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म को, नंबर के लैंग्वेज फॉर्म को, वर्ड लैंग्वेज को, इन सारी चीज़ों को आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। तो इन सारी चीज़ों का हम आज रिवीजन करेंगे छोटा सा। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है 5040। 5040 को हम लिखेंगे 5042। 5042 ओके स्टूडेंट्स। एज लाइक आप आगे वाले ये जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करोगे। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, राइट द वर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं उनकी वर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ड फॉर्म आपने स्टूडेंट्स पिछले क्लासेस में सीखा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास में आपने वर्ड फॉर्म बनानी सीखी है। सो आज हम वापस उसी चीज़ को रिवाइज करते हैं। पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 24056। इसको हम नंबर में लिखेंगे, नंबर वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, नंबर नेम लिखेंगे इसका 24 TWENTYFOUR 24000 TH O U S A N D 1056 FIFTY SIX। स्टूडेंट्स आपको आई होप कि ये नंबर आपको रीड करना आता है। हमें पता है ये नंबर हम कैसे रीड करते हैं, वंस पहले से, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, देन 24056 नंबर फॉर्म होके हमने इसको वर्ड फॉर्म में लिखा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको भी हम वैसे ही वंस से लेफ्ट साइड से रीड करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, इट्स मीन 40,000। हंड्रेड के पैलेस पे कुछ नहीं है, थाउजेंड के पैलेस पे भी कुछ नहीं है, वंस के पैलेस पे है 9, इट्स मीन नंबर ये है 40,009। FORTY TH O USANDNINE 40,009। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट आपको पता है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंड करना, एक्सपेंड मीन्स बढ़ाना, खोलना। आपको जो भी नंबर दिए हुए हैं उनको आप खोल के लिखोगे, जैसे थाउजेंड्स को अलग, टेन थाउजेंड को अलग, हंड्रेड को अलग, वंस को अलग, ऐसे सारे नंबर्स की जो पहले से वैल्यू उनको अलग अलग करना है आपको। तो सबसे पहला हमारा जो नंबर है वो है 12,372। इट्स मीन सबसे पहले एक्सपेंड फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दिया हुआ है वन, हमने वन लिखा। अब हम काउंट करेंगे स्टूडेंट्स वन के आगे कितने डिजिट है, वन, टू, थ्री, फोर। इट्स मीन हम यहाँ पर एक्सपेंड फॉर्म के अंदर वन के आगे फोर जीरो लगाएंगे, वन, टू, थ्री, फोर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लगाएंगे प्लस का साइन। अब हम लिखेंगे टू, टू लिखा, टू के बाद में कितने डिजिट है फिर हम काउंट करते हैं, वन, टू, थ्री, देन टू के आगे हम लगाएंगे थ्री जीरो, प्लस
टू लिखा, टू के बाद में है हंड्रेड्स के पहले इस पर थ्री, देन हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री, थ्री के आगे टू डिजिट्स है सेवन और टू, इट्स मीन हम यहाँ पे टू ज़ीरो लगाएंगे, प्लस थ्री के बाद में है सेवेंटी, टेंस के पहले इस पर है सेवन, इट्स मीन हम यहाँ लिखेंगे सेवन, सेवन के बाद में वन डिजिट है, इट्स मीन वन ज़ीरो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सेवन के बाद में वंस पहले इस पर, वंस पहले इस पर है टू, वंस पहले इस पर टू, अब यहाँ मैंने लिखा है टू। सो स्टूडेंट्स, टू के आगे कोई भी नंबर नहीं है, सो मैंने यहाँ पर आगे कोई भी ज़ीरो जो है वो नहीं लगाए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सेकंड, सेकंड में है 23,434। एज लाइक स्टूडेंट्स, आपको वही स्टेप फॉलो करनी है वापस अगेन। आप लिखोगे सबसे पहले टू, टू के आगे जितनी भी डिजिट है उतनी ज़ीरो हम लगाएंगे आंसर में, वन टू थ्री फोर, देन मैंने लगाए फोर ज़ीरो, प्लस टू के बाद में थ्री डिजिट, थ्री डिजिट के बाद में कितने डिजिट है वन टू थ्री, तो मैंने यहाँ लगाया है थ्री ज़ीरो, वन ज़ीरो टू ज़ीरो थ्री ज़ीरो, देन अगेन प्लस का साइन, थ्री लिख दिया। अब अपन चलते हैं फोर, फोर के आगे देखो स्टूडेंट्स कितने डिजिट है वन और टू, सो मैंने यहाँ पे टू ज़ीरो लगाए, अगेन प्लस, अब फोर के बाद में थ्री, मैंने यहाँ थ्री लिखा, अब देखो थ्री के बाद में कितने डिजिट है वन डिजिट, सो मैंने यहाँ पे वन ज़ीरो लगाया, देन अगेन प्लस का साइन। अब हम लिखेंगे लास्ट में फोर, फोर लिखा, फोर के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो मैंने यहाँ पे कोई भी ज़ीरो पुट नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे वाले जो क्वेश्चंस है वो आप खुद सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे उनकी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर की लैंग्वेज रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा है राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल फॉर्म, इन सबको हमें न्यूमरल फॉर्म में पुट करना है, इट्स मीन लिखना है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको शो हो रहा है क्वेश्चन में, ये जो सारा जो क्वेश्चन है वो हमें एक्सपेंड फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें न्यूमरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने न्यूमरल फॉर्म को एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था, अब यही फॉलो, वही वाली जो स्टेप है हमें अपोजिट यानी उल्टी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 40,000, फिर प्लस 5,000, फिर प्लस 700, फिर प्लस 70, फिर 2। तो सो स्टूडेंट्स, इन सब को अपन को काउंट करके, प्लस करके, ऐड करके एक साथ लिखना है न्यूमरल फॉर्म में। तो सबसे पहले था 40 और 5, 45,000, फिर 700, फिर 72। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना नया नंबर जो फॉर्म हुआ वो हुआ 45,772। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या किया हमने, 40,000 था तो हमने थाउजेंड्स के पहले इस पर फोर लिखा, फिर उसके बाद में 5,000 दिया हुआ था, 40,000 प्लस 5,000 45,000, सो मैंने किया 45,000, देन 772। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही एज लाइक हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारा, इसमें दिया हुआ है 60,000 प्लस 000, इट्स मीन थाउजेंड के पहले इस पर कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं वापस अगेन 000, इट्स मीन हंड्रेड के पहले इस पर भी कुछ नहीं है, उसके बाद में 20 प्लस 6। ओके स्टूडेंट्स, सो 60,026, बिकॉज थाउजेंड और हंड्रेड के पहले इस पर कुछ नहीं है, तो हमारे आंसर में थाउजेंड और हंड्रेड के पहले इस पर कुछ भी नहीं लिखना है, 00 लिखना है। तो हमारा नया नंबर फॉर्म हुआ 60,026। ओके स्टूडेंट, आगे वाले क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव रीड करते हैं हम। गिव द पैलेस वैल्यू फॉर द इन सर्कल्ड डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स, गिव द पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू बतानी है आपको किसकी, इन सर्कल डिजिट, नीचे क्वेश्चन में जिस सर्कल, जिस नंबर को सर्कल किया हुआ है उस नंबर की आपको पैलेस वैल्यू बतानी है।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता है पैलेस वैल्यू क्या होती है। पैलेस वैल्यू का मतलब होता है जो नंबर जिस पैलेस पे है, जैसे वंस पैलेस पे, टेंस पैलेस पे, 100,000, 10,000, जिस भी पैलेस पे जो नंबर होता है वही उसकी पैलेस वैल्यू होती है। ओके सो हम लेट्स करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर दिया हुआ है 55,074। देन हमें 5 पर जो है वो सर्कल किया हुआ है स्टूडेंट, 5 नंबर पे सर्कल किया हुआ है। तो हम इसको रीड करते हैं, रीड करते हैं, देखते हैं ये कौन से पैलेस पे आता है। हम लेफ्ट साइड से चलेंगे, यहाँ से रीड करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1,000, 10,000। क्या आया स्टूडेंट्स? 10,000, इट्स मीन 50,000। यहाँ शो किया है मैंने 50,000। आप एक इस तरीके से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे 5 था, मैंने 5 लिखा, अब आप काउंट करो 5 के आगे कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, तो आप आंसर में 5 के आगे 40 लगा दो, इट्स मीन यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या हुई, 50,000। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन, 63,489। अब इस क्वेश्चन में हमें सर्कल मिला है 3 पे, यानी कि 3 वाला जो नंबर है उसको सर्कल किया हुआ है, इट्स मीन हमें 3 की पैलेस वैल्यू बतानी है। वही वाला तरीका हम फॉलो करेंगे वापस, हम यहाँ से काउंट करते हैं लेफ्ट साइड से, वंस पैलेस से, वंस, टेंस, 100, 1,000, इट्स मीन 3 कौन से पैलेस पे है, 1,000 पैलेस पे, इट्स मीन 3 की पैलेस वैल्यू हुई 3,000, जो कि आपको सामने शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आप आगे वाले क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करोगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया है। ये आज आपका छोटा सा जो रिवीजन था, हमने नंबर्स के बारे में स्टडी की, नंबर्स क्या होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी आपने आज उनको छोटे सी एक क्लास में उन सारी चीज़ों को रिवाइज किया। आज की क्लास में हमने हमारी एक्सरसाइज के 1 से लेके 5 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए। आगे के क्वेश्चंस हम आगे वाले क्लासेस में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। आज का आपका होमवर्क भी यही है कि ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, निकालोगे, बाकी जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं उनको सॉल्व करोगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।